और ब्रेक के बाद बहुत स्वागत महासंग्राम 2024 आप देख रहे हैं। मात्र डेढ़ घंटे का वक्त बचा हुआ है। जो अभी तक अपने घरों पर बैठे हैं रिलैक्स या किसी भी काम में उलझे हैं, घरों से बाहर निकलिए, अपने काम को छोड़िए, मताधिकार का प्रयोग करिए, मतदान केंद्र तक पहुंचिए और अपने वोट का। और जो से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, बता तो चले कि विधायक की धमकी मिली है। लोहिया कॉलेज बूथ पर एमएलए हरलाल सहारण की धमकी मिली है। कर्मचारी को ट्रांसफर करवाने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि अभी धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बाड़मेर ट्रांसफर कराने की धमकी देते हुए नजर आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, बताते चले कि लोहिया कॉलेज बूथ पर एमएलए हरलाल सहारण की धमकी जो है वो अब वायरल हो रही है। कर्मचारी को ट्रांसफर कराने की धमकी यहां पर देते हुए नजर आए। तो सियासी गलियारों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब ये जो धमकी का वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि मतदान के दौरान ये धमकी भरा धमकी दी गई है। मतदान के दौरान ही विधायक की धमकी देखने को मिली है। लोहिया कॉलेज बूथ पर एमएलए हरलाल सहारण की धमकी, सीधे कह दिया कर्मचारी को कि ट्रांसफर करा देंगे, नहीं बात मानोगे। रॉब देखिए जरा, क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। नंबर प्लेट सब लिख लिया। मैं इसकी घंटे के बाद फाइल लेकर लिख लिया। जनता पार्टी मैंने लिख लिया आज नंबर प्लेट सब लिख लिया। और आप ये सुन रहे थे ये चुरू के एमएलए का, सीधे कह दिया ट्रांसफर करा देंगे। अब धमकी भरा ये जो ऑडियो तस्वीरें आप तक पहुंचाई गई हैं, इसका होगा क्या इफेक्ट ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन महासंग्राम 2024 की कवरेज आपको दिखा रहे हैं। इसमें हमारे साथ अब लगातार चर्चा करने के लिए गेस्ट जुड़ चुके हैं। अमित गोयल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। कांग्रेस से पौरुष भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर, और निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ राजनीति विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। डिस्कशन को बहुत स्वागत करते हुए आप सभी का, सबसे पहले अमित गोयल जी आपके पास आते हैं। चुरू की ये तस्वीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे और लगातार जो वोटिंग परसेंट कम हो रहा है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या असर नहीं डाल पाए मतदाताओं पे कि आज घर से बाहर निकले और आपके मिशन 25 को कंप्लीट करें? देखिए, श्याम झा बोल रहा हूँ और नमस्कार करता हूँ आपको और सभी दर्शकों को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से बोलना भी चाहूँगा कि ये इस पर्व को, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, उसके लिए सभी खुलकर और अधिक से अधिक मतदान करें और अपने घरों से निकले, समय कम बचा है। सुबह का जो समय था उस समय मतदान का प्रतिशत अच्छा रहा, लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बीच में कुछ गर्मी की वजह से हो सकता है, लेकिन अभी दोबारा जो हम देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज अच्छा बढ़ के आएगा। लेकिन मैं साथ में ये बताना चाहूँगा, जो मिशन दो हमारा 25 है, 2024 में दोबारा 25 सांसद राजस्थान से जीत के जाए, उसके लिए उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वोटिंग परसेंटेज मेरा मानना है सीधे कि 65+ तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और राजस्थान की जनता जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करती है और मोदी जी को राजस्थान की जनता पे विश्वास है, तो निश्चित 25 सीटें जीतेंगे। ठीक है, लेकिन श्याम झा जी मानते तो बहुत कुछ है सब लोग। ठीक है, मानते तो बहुत कुछ है सब लोग। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस की देख सकते हैं किस प्रकार से दो दो तीन तीन लोगों ने तो टिकट तक वापस कर दी। तो आपके दावे और धरातल पर जो जनता तस्वीरें दिखा रही है श्याम झा जी, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। सीधा मैं निरंजन जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि समीकरणों को भी बेहद जरूरी हो जाता है। बात करें दौसा की, दौसा इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि पायलट परिवार का गढ़ रहा है वो। आजादी के बाद ऐसा पहला मौका आया जब कोई प्रधानमंत्री पहुंचा और उसने वहां पर रोड शो किया जाकर के। माना यह जा रहा था कि सबसे ज्यादा वोटिंग फीसदी वहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन दौसा के साथ साथ कई ऐसे इलाके हमने देखे जहां पर वोटिंग फीसदी लगातार गिरता जा रहा है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। जरा समझाइएगा इसे, उसके बाद शुभदेव जी आपके पास। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से पल्लवी जी, अभी लगभग समझ लीजिए 1.5-2 महीने पहले जो भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा चुनाव लग रहा था राजस्थान के अंदर, ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से हैट्रिक करेगी क्लीन स्वीप करके। लेकिन आज जिस तरीके से
कांग्रेस ने अपने टिकट दिए और भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा सा टिकट वितरण के अंदर भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा त्रुटियां रही। और उसके बाद में मेरा यह मानना है कि जो लोकल कैडर है उसने कहीं ना कहीं उतना सपोर्ट नहीं किया। अब वो या तो जीत के प्रति बहुत ज्यादा आश्वस्त है इस वजह से उसने ज्यादा परिश्रम नहीं कहा है, या जीत जो एक भारतीय जनता पार्टी का कैडर काम करते हुए जो वोटों को निकालते हुए दिखता है इस बार वो चुनाव के अंदर इस बार वो चीज नजर नहीं आ रही। और मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में जिस तरीके से राजस्थान के अंदर 8 से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण हो रही है उसका केवल और केवल आप ये समझ लीजिए। अब इन चुनावों को अगर मैं एक लाइन में कहूं तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है उसके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और वो केवल और केवल अपने दम के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से चुनावों को चुनौतीपूर्ण बनाया है कि जैसे अभी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि आज जिस तरीके से झुंझुनू की सीट लगातार जो दो बार जीत के आ रहे हैं और इस बार भी पूरी की पूरी जीती हुई सीट कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आ रही है, चाहे इसके अंदर आप सीकर ले लीजिए, बाड़मेर ले लीजिए, नागौर ले लीजिए, और जिस तरीके से अभी सुनने में आ रहा है कि भाई जहां जहां ये वोट प्रतिशत घट रहे हैं तो उसके अंदर मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा शायद हो सकता है नुकसान झेलना पड़े। क्योंकि एक चीज आप ये चीज समझिए कि मेरा यह मानना है कि जो एंटी बीजेपी वोट है, पल्लवी जी इस चीज को समझना, आज की तारीख में मैं वोटों को तीन भागों में बांटता हूं, एक प्रो बीजेपी वोट, एक एंटी बीजेपी वोट और एक स्विंग वोट। तो जो एंटी बीजेपी वोट है कहीं ना कहीं सरकार बदलने के लिए बिना किसी के प्रोवोक करने से, बिना किसी के बुलावे के भी वो वोट करने के लिए निकलता है, लेकिन बीजेपी का और स्विंग वोट जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर तो फोटो डाल रहा है कि अब की बार 400 पार, लेकिन वो पोलिंग बूथ तक जा रहा है या नहीं जा रहा है ये तय नहीं है। और जो कैडर की जो वोटर को निकालने की जिम्मेदारी है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आप देखिए, चाहे झुंझुनू देखिए, दौसा देखिए, जयपुर ग्रामीण देखिए, जिस तरीके से वहां पे वोट प्रतिशत फंसा हुआ है या पिटा हुआ है, अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई शाम को 6 बजे के बाद में कहीं ना कहीं 6 बजे तक हो सकता है वोट प्रतिशत सुधरे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि पहले जलपान उसके बाद पहले मतदान उसके बाद में जलपान, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसी एजेंडे के ऊपर इन चुनावों को लेकर चलना चाहिए था, क्योंकि हमने अभी 3 महीने पहले इसी भारतीय जनता पार्टी का जो मशीनरी है उसको चुनाव लड़ते और लड़वाते हुए देखा है कि किस तरीके से उन्होंने जो प्रवासी राजस्थानी हैं, चाहे वो सूरत में रहते हों, अहमदाबाद में रहते हों, बंबई रहते हों, दिल्ली रहते हों, कैसे लोगों को फोन कर करके उन्होंने जबरदस्ती बुलाया और बुला करके वोट डलवाया, और उसी का कारण था कि भारतीय जनता पार्टी 3 महीने पहले जिस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। लेकिन इस बार मुझे इतना परिश्रम और इतना प्रयास करते हुए, आप बात कर रहे हैं निरंजन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। निरंजन जी बात कर रहे हैं कि साइलेंट वोटर जो होता है वो किस तरीके से सोशल मीडिया पर तो बीजेपी के लिए एक्टिव है, लेकिन बात जब आती है बूथों पर जाने की, अपना वोट कास्ट करने की, तो वहां पर वो थोड़ा सा पीछे होते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और इसका फायदा दूसरी पार्टियों को मिलेगा, यानी कि विपक्षी पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस हो। सीधा शुभदेव जी आपके पास आते, आस लग रही है क्या अभी आपको कि पिछले 2 आम चुनाव में भले ही कांग्रेस का खाता ना खुला और शून्य पर अटक गई हो, लेकिन इस बार थोड़े अच्छे संकेत मिल रहे हैं? बहुत ज़्यादा अच्छे संकेत, और संकेत आज से नहीं है, संकेत काफ़ी समय से है। जो राजस्थान का जन है, जो राजस्थान का आम जन है, वो बहुत समय पूर्व ही मानस बना चुका है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का जो कुशासन है उस कुशासन का जवाब दिया जा रहा है। जवाब किसके माध्यम से दिया जा रहा है? जवाब युवाओं ने दिया है। वो 35 साल से कम उम्र का युवा जो रोजगार की तलाश में था, जिसको पकौड़े तलने के लिए मोदी जी ने मजबूर कर दिया, वो युवा जवाब दे रहा है। साथ में देखिए, अलवर से आप चल करके और जयपुर, झुंझुनू, चूरू, सीकर और नागौर, ये एक ऐसी बेल्ट है जो मेरे राजस्थान की जो सदैव सेना के लिए समर्पित होती है। वहां का जो जवान है वो सुबह 5 बजे उठ के तैयारी करता है कि मैं सेना में जाकर के और देश के प्रति समर्पित हूं। अब मोदी जी ने क्या किया कि अग्निवीर योजना लेके आ जाते हैं और उस युवा के सपने को तोड़ते हैं, उसके रोजगार के साथ साथ में जो देशभक्ति की भावना जो उसके अंदर जागृत थी उसको तोड़ते हैं। तो ये वोट जा रहा है युवा का उसके रोजगार
के प्रति की जो उसको बेरोजगार कर दिया गया, साथ में पकोड़े तलने वाली योजना हो या फिर अग्निवीर जैसी योजनाओं का झुंझुना उसके हाथ में दे दिया हो, उसके बाद में महिलाओं ने बताया कि जिस तरीके से महंगाई से जो महिलाओं की जो गृहणियों की जो कमर टूटी है, तो उन्होंने बताया कि साफ साफ अब की बार 25 के अंदर हम जीरो करने जा रहे हैं, कि जिस तरीके से मणिपुर से चलकर के गुजरात तक और मध्य में दिल्ली के अंदर राजधानी के अंदर महिलाओं पे जो अत्याचार हुए, सड़कों पे जो महिलाओं को घसीटा गया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं, अपने लोगों को बचाते हैं, चाहे वो ब्रजभूषण हो, चाहे वो पुरुषोत्तम रूपाला हो, चाहे मणिपुर के सीएम हो। तो मुझे आप बताइए, 5 साल आप लोग प्रदेश में सत्ता में थे, और क्योंकि जो आरोप आप ये लगा रहे हो, बीजेपी आप पर लगाते हो, कहते यही कारण है कि आप लोग सत्ता से बाहर हो गए। नहीं, सत्ता से बाहर हो गए उसके बाद में अब क्या हो रहा है, देखिए 3 महीने के अंदर जो पर्ची सरकार है, जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जो पर्ची से बने हुए हैं, उनको तो होश ही नहीं है, वो तो 3 साल से हेलीकॉप्टर में घूम घुमैया कर रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि नीचे हो क्या रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी का गृह क्षेत्र भरतपुर है। आप आंकड़ा उठा के देखिए कि अपराध की दृष्टि से सर्वाधिक आपराधिक घटनाएं जो होती है वो भरतपुर में होती है। मेरा जयपुर शहर इतना शांति प्रिय शहर है, अगर उसमें कहीं भी आपराधिक घटनाएं होती है तो वो सांगानेर में होती है, वो सांगानेर में सर्वाधिक सांगानेर में होती है। दूसरी सवाल सुन रहे हैं मेरा, शांत होती है या पिछले 3 महीने से हो रही है आपराधिक घटनाएं वहां भरतपुर में? जिस तरीके से शासन प्रणाली के ऊपर राजस्थान सरकार का जो हथकंडा होना चाहिए, जो काम करने के तरीके होने चाहिए, एक्चुअली होता क्या है ना, सीएम साहब खुद तो डिसीजन लेते नहीं है, सीएम साहब इंतजार करते हैं कि कब दिल्ली से पर्ची आएगी, कब मैं इस पर्टिकुलर घटना के ऊपर अपना स्टैंड लूंगा, तब तक आगे की बात निकल जाती है। मुझे लगता है कि श्याम झा जी इसका जवाब लेना चाहिए। मैं एक और बात कंप्लीट, श्याम झा जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले सुखदेव जी, जो आप बातें बता रहे हैं ये सिर्फ मौखिक तौर पर बता रहे हैं या फिर इसके कुछ प्रमाण भी आपके पास है तो वो प्लीज बताइएगा, उसके बाद मैं उसका जरूर लूंगी। अभी के चैनल पे जरा बताइए, भरतपुर में अभी तक ऐसी कौन सी आपराधिक घटनाएं हुई है जो थाने में दर्ज हुई है जाकर के? भरतपुर में ऐसी कौन सी आपराधिक घटनाएं हुई जो थाने में दर्ज हुई जाकर के और जिन पर प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया? कृपया करके आप वो डेटा यहाँ पर बताइए और श्याम झा जी उसका जवाब आप दीजिए। शुभदेव जी पहले बताइए। मैं यही बता रहा हूँ, एक डेटा नहीं है, अनेक डेटा है। आज ही अभी आप देख लीजिए, जिस विधायक का काम होना चाहिए, लोगों का काम करवाना, सत्य के आधार पे बता रहा हूँ। सांगानेर की आपने घटना नहीं देखी, लग नहीं रहा था जैसे कोई अफगानिस्तान की घटना हो, एक एक घर के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है और इस तरीके की घटनाएं हो रही है, किस तरीके से घर के ऊपर कब्जा कर रहे हैं वो सबने देखा, पूरे जगत में देखा। उसमें सुखदेव सिंह चौहान को बताने की कहां जरूरत है? उसके बाद में पुलिस वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है, प्रतिदिन कितनी महिलाओं, लगभग 17 से 18 महिलाओं के बलात्कार की घटनाएं राजस्थान से आ रही है। तो ये डेटा जो है वो सरकारी आंकड़ा है, उसमें श्याम झा जी वो तो कह रहे हैं जब से सत्ता में आए आपने बेड़ा गर्क कर दिया राजस्थान का। देखिए, कांग्रेस पार्टी झूठ के दम पे पहले सत्ता में आई, वादा किया कि 10 तक गिनती करिए और किसानों का ऋण माफ हो जाएगा। वहीं से आप देखिए, जो इनका आला कमान इतना झूठा हो सकता है, और किसानों की जमीनें नीलाम हो गई और ये किसान हितकारी बन रहे हैं, आज युवाओं के हितकारी बन रहे हैं। युवाओं का लगभग 70 लाख परिवार पेपर लीक से आहत हुए, गरीब का किसान का बच्चा शहरों में आकर के कोचिंग की तैयारी करता है, और इन्होंने पेपर की दलाली की, करोड़ों रुपया बनाया पेपर की दलाली करके, और उन युवाओं के सपने चकनाचूर कर दिए, और इन्होंने फिर झूठ बोला कि हम उस पर एक कानून बनाएंगे। जिस दिन कानून बनाया उसके अगले दिन फिर पेपर लीक हो जाता है। ये कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा है, जो जिस तरह से ये बोल रहे हैं ये वास्तव में सही बोल रहे हैं, और इनको ये जो 17 बलात्कार की घटनाएं कांग्रेस शासन काल में होती थी ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन आज अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो ये फिर झूठ बोल रहे हैं इनके प्रवक्ता कि आज वो घटनाएं होती थी, 17 बलात्कार 18 बलात्कार की घटनाएं होती थी।
फिलहाल 3 महीने में सरकार ने कोई काम किया है नहीं किया है सुभदेश जी, ये भी जनता बता देगी, और जिस तरह बात आप कर रहे हैं वो भी जनता बता देगी। लेकिन संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। संजय जी, 12 सीटों की आज सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंट लगातार बढ़ने चाहिए, घट क्यों रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? और जो दिलचस्प फाइट है वो बीजेपी के लिए ज्यादा है या फिर कांग्रेस के लिए? देखिए, वोटिंग परसेंटेज के बारे में मैं राजनीतिक व्याख्या से अलग व्याख्या करने की कोशिश करूंगा एक टीचर रहते हुए भी, कि देखिए वोटिंग आप देखेंगे तो जो पंचायत है उसमें ज़्यादा वोटिंग होती है, क्योंकि इंटरेस्ट होता है, लोग बाहर से ले आते हैं, विधानसभा फिर से छोटा होता है, लोगों को ले आते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में लोगों को लाना मुश्किल हो जाता है, तो वोटिंग परसेंटेज आमतौर पर लोकसभा का कम रहेगा। लेकिन इससे बड़ी बात और है जिसको हम लोग व्याख्या नहीं करते हैं, इसलिए कुछ और तरह की डिबेट भी हैं, मामले कोर्ट तक गए हैं। देखिए, जो माइग्रेंट होता है, जो पिछड़े इलाके हैं, जैसे करौली धौलपुर हमारे प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में से हो सकता है, और वो इलाके जो पिछड़े जो किसी मेट्रोपॉलिटन बिजनेस हब के आसपास हैं, वहाँ वोटिंग परसेंटेज कम होने के चांसेस होते हैं। उसका कारण ये है कि जो माइग्रेंट लेबर है वो उसका कोई स्टेक नहीं होता कि वो वोट पार्लियामेंट में डालने आए और उसको वो उसकी जो टाइम का लॉस हो रहा है या जो उसका आने जाने का पैसे का खर्च हो रहा है, तो वो लोग नहीं आ पाते, और उसकी वजह से जो है जो वोटिंग परसेंटेज उन इलाकों में कम होने की संभावना बनी रहती है। एक और कारण यह है कि आमतौर पे एक बहुत गंभीर दौर से हमारा देश स्ट्रक्चरल दौर से गुजर रहा है, जैसे क्योंकि दुनिया भर की स्टडीज ये बता रही हैं कि हम दुनिया के सबसे हम उस समय से गुजर रहे हैं जहां गैर बराबरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और गैर बराबरी एक तरह के कोलैप्स ऑफ सिस्टम का इंडिकेशन है, जहां ना आप जो सोचते हैं उस तरह की अर्थव्यवस्था बनेगी ना व्यवस्था बनेगी, कोई भी व्यवस्था गैर बराबरी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उस हालत में जो गरीब आदमी है उसके स्टेक्स राजनीति में कम होने लग जाते हैं, सोचने में ऐसा लगता है कि उनको बहुत जरूरत है, लेकिन उसके स्टेक्स वो निराश हो चुके होते हैं और वो वोट डालने के लिए आते हैं। तो आमतौर पर लोग सोचते ही हैं कि गरीब वोट ज्यादा डालता है, लेकिन स्टडीज ये बताती हैं जो माइग्रेंट लेबर है वो वोट नहीं डाल पाता, क्योंकि उसकी उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसलिए हम जैसे लोग कुछ एक बीच में हमने प्रचार भी चलाया कि 100% वोटिंग को इंश्योर करने के लिए कानून की बात होनी चाहिए, और जहां से बैठा है वहीं से वोट डालने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने NRIs को तो वोट डालने की व्यवस्था दे दी, लेकिन गरीब आदमी को नहीं देखी। आप सोचिए कि यही व्यवस्था की कितनी बड़ी कमी है। आज अगर लोग बड़ी जगहों पर बैठे हुए वोट डालने का अधिकार रखते हैं तो छोटे छोटे गांव में उस महत्वाकांक्षा की अभिव्यक्ति होगी। जो बड़ौदा में बेस्ट काम कर रहा है, दिल्ली में जो व्यवस्था चल रही है, वो गांव से डिमांड करने लग जाएगा। तो सत्ता में परिवर्तन की नीचे से दिए गए हैं, वोटिंग जैसी सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं। समझना हम आपसे यहाँ पर ये चाहते हैं, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि पूरे राजस्थान में वोटिंग फीसदी लगातार कम हुआ है। कई स्थान ऐसे हैं जैसे श्रीगंगानगर का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, वहां पर वोटिंग फीसदी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पर घटा है कहीं पर बढ़ा है। बिल्कुल, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? अगर घट रहा है, क्योंकि सियासी गलियारों में कहा जाता है अगर घट रहा है तो मौजूदा सरकार के प्रति लोग आश्वस्त हैं कि अच्छी है, अगर बढ़ रहा है तो भी दिक्कतें हैं, तो इसको आप जरा समझाने की अगर कोशिश करें संजय जी तो बेहतर होगा। उसके बाद शुभदेव जी आपके पास आते हैं। मैं अपनी बात को पहले तो आप जैसे गंगानगर का ज्यादा है, तो गंगानगर के पास में बहुत बड़ा कोई मेट्रो बिजनेस हब नहीं है, है ना? आप ये समझने की कोशिश करिए, जैसे ये दिल्ली के आसपास करौली भरतपुर दौसा ये इसके आसपास की जगह हैं, तो दिल्ली इतना बड़ा बिजनेस हब है कि जो माइग्रेंट लेबर है वो वहाँ चली जाती है, इसलिए इसके आसपास वोटिंग कम होने के चांसेस रहते हैं। किस समय की भी बात होती है कि किस समय अगर वहाँ कोई बिजनेस एक्टिविटी तेज चल रही है तो लोग नहीं आ पाते, तो एक कारण तो ये। दूसरी बात, आप दूसरा प्रश्न आप रिपीट करेंगे? ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको और रोकना चाहूंगी संजय जी, बात आप सही कर रहे हैं कि लोगों को अपना काम बेहद जरूरी है, क्योंकि काम से ही वो पैसे कमाएंगे और पैसों से ही उनकी दिनचर्या चलेगी, लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग लाइवलीहुड उनका अर्न होगा। लेकिन आप ये बताइए, एक दिन मिलता है 5 साल में, क्या नेता सांसद तमाम जो प्रत्याशी थे जो जमीनी हकीकत पे उतरे, उन्होंने चुनावी दौरे किए, चुनाव प्रचार प्रसार किया, क्या लोगों को इन्फ्लुएंस प्रभावित नहीं कर पाए कि एक दिन कुछ घंटे निकाल के, या सुबह 7 बजे ड्यूटी पे जाते हैं, 8 बजे ड्यूटी पे जाते, तो 7 बजे आके मतदान करने के बाद निकल जाएं? क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपको इसमें कमी आई है, लोग प्रभावित नहीं हुए इसलिए वोट कास्ट करने के लिए नहीं पहुंचे, क्या एक रीजन नहीं है ये आपके हिसाब से?
नहीं, आपका विश्लेषण भी मुझे ठीक लगता है कि लोग जब उनको विकल्पहीनता दिखेगी तो वो वोट डालने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये माइग्रेंट वाले इलाके जो लोकल रहते हैं वो वोट डालने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। में भी कम और है। अब तो हमारी जो वोटर लिस्ट है वो इतनी सैनिटाइज हो चुकी है, वोटर लिस्ट जो है इतनी सैनिटाइज हो चुकी है कि हमारे जो पहले क्या होता था, बहुत साल पहले जो मृत वोटर है उसका नाम भी होता था, जो माइग्रेंट है उसका नाम भी होता था। अब काफी ठीक होने लग गई है हमारी वोटर लिस्ट, काफी अच्छा सुधार हुआ है। चुनाव सुधारों में अगर सबसे अच्छी बात हुई है तो वो ही है। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है, इस नंबर को देखने के बाद हमें सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, हमें वोटर को जहां बैठा है वहीं से वोट डालने का अधिकार देने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने खुद तिब्बत का इलेक्शन कवर किया है, पूरी दुनिया के 170 देशों से वोटिंग वहीं बैठ के होती है तिब्बत के इलेक्शन के लिए। जब वो छोटे छोटे लोग इतनी बड़ी व्यवस्था कर सकते हैं तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ना हमारी डेमोक्रेसी को हेल्दी ही बनाएगा। ठीक है, श्याम झा जी से इसका रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी के ऊपर एक तरह से संजय शर्मा जी ने संकेत किया है। श्याम जी, टेक्नोलॉजी में आईटी हब, ये क्या बीजेपी सरकार में थोड़ी कमजोर है, क्योंकि इसको लेकर विपक्ष भी निशाना साधता रहा है? जी बिल्कुल, जो संजय जी ने जो बात कही बिल्कुल बहुत सही बात कही। और आने वाला जो इलेक्शन होगा, अब जो 2028-29 जब भी इलेक्शन होंगे, आप ये निश्चित आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करके जा रहा हूँ, उस समय ये सुविधा होगी कि आप अपने लैपटॉप और मोबाइल से जहाँ भी है, जिस शहर में भी है, वहाँ से आप वोट डाल पाएंगे। पहले ये तो क्लियर करिए श्याम चल रहा है, और क्योंकि आप लोग मैनिफेस्टो में एक मिली है, एक पहले ये तो क्लियर कर दीजिए, क्योंकि एक देश एक चुनाव लेकर आ रहे हैं तो उसमें ऐसा होगा कि इसके पहले होगा? एक सवाल उठता है ना इसके अंदर, आपको एक चीज और देखना। देखिए अभी मुझे लगता है कि अभी जो भी चुनाव होंगे अब 2-4 साल बाद, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये तुरंत आप एक लागू नहीं कर सकते और उसको तुरंत इम्प्लीमेंट में नहीं ला सकते, जो उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको देखते हुए थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन आने वाले 2-4 साल बाद जो भी चुनाव होंगे उसमें निश्चित संजय जी ने जो बात कही है और उस पर काम ऑलरेडी चल रहा है और उसमें सफलता भी मिली है और उसकी जो प्रक्रिया है वो सारा कंप्लीट करके 2-4 साल बाद से जो इलेक्शन होंगे उसमें निश्चित ये इस तरह की प्रक्रिया होगी कि जो जिस शहर में है जहाँ है अपने वोट का अधिकार कर सकता है और वोट वहीं से वोट डाल सकता है अपना, चाहे वो मोबाइल के जरिए हो लैपटॉप के जरिए हो। ये इस आने वाले जो आधुनिक युग में ये बहुत आवश्यक भी है और जरूरत भी है। हाँ, जरूरत है तो कदम क्यों नहीं उठाए गए? आप देखिए, वोटिंग प्रतिशत अगर बढ़ता है घटता है तो अलग अलग इसके मामले सामने निकल कर आते हैं। जैसा संजय जी लगातार बता रहे हैं कि सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए जनता को, तभी वो जाकर के अपना वोट कास्ट करेंगे, जाकर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पार्टियों के अपने अलग अलग दावे हैं। बीजेपी जहां कह रही है कि वोट फीसदी अगर घट रहा है क्योंकि जनता आश्वस्त है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसी वजह से वो आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जनता ये दिखाना चाहती है कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं इसलिए आपके पक्ष में वो वोट डालने के लिए निकल ही नहीं रहे हैं। शुभदेश जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और आपका ये कहना है कि बीजेपी से त्रस्त आ चुकी है राजस्थान की जनता, इस वजह से वो अपने मताधिकार का कहीं पर प्रयोग कर रही है और कहीं पर नहीं कर रही है। शुभदेश जी, आपने मेरे से पूछा था कि वो डेटा बताइए। हाँ, बिल्कुल, वो चीज बताइए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका कैमरा यहाँ पे फोकस हो सके तो ये मंगलवार का है, 16 अप्रैल का, 37 वाहन चोरी, 6 दुष्कर्म के साथ मानसरोवर टॉप पर, ये है, ये पूरा इसके अंदर है। साथ में 16 अप्रैल के अंदर, 16 अप्रैल को जब अमित शाह का रोड शो होता है, उस रोड शो के अंदर लगभग विधायक समेत आधा एक दर्जन नेताओं के मोबाइल चोरी हो जाते हैं। ये जयपुर शहर की घटनाओं के प्रमुख हैं जो 16, 17 और 18 अप्रैल का है। और राजधानी के अंदर आपराधिक आंकड़ों के अंदर जो सर्वाधिक रूप से जो मजबूत स्थिति आज भी कायम करके बैठे हैं, वो फर्स्ट लीड लेके बैठे हैं, वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल जी का गृह क्षेत्र, सॉरी विधानसभा क्षेत्र है सांगानेर। ये तो वो आंकड़े हैं। दूसरा, आपने पूछा कि जो राजस्थान पुलिस की वेबसाइट है, बिल्कुल है, अब आपके कैमरे थोड़ी सी दूर है, नहीं वो भी मेरे पास में अवेलेबल है, जवाब लूंगी जाकर के, उसको भी आप दिखाइए, उसका भी मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से किस तरीके से ये राजस्थान, जो हमारी राजस्थान पुलिस है उसका डेटा है।
वो अवेलेबल है। मेरी राजस्थान की जो जनता है वो बहुत जागरूक है, जो आराम से देख लेगा उसमें आप देख सकते हैं कि किस कदर से राजस्थान के अंदर पर्ची सरकार आने के पश्चात में आपराधिक प्रवृत्तियां, आपराधिक आंकड़े, खासकर महिलाओं और बच्चियों के जो दुष्कर्म के जो आंकड़े हैं वो किस तरीके से बढ़े हैं। ये बात रही आपकी पहले वाले सवाल की। अब जो आपने मेरे से पूछा वो शायद पूछा है सीटों के उसके लेकर के, तो वो मैं आपको बता दूं कि अलवर की बात हो चाहे भरतपुर की बात हो या फिर चूरू की बात हो या फिर झुंझुनू की बात हो, तमाम 12 सीटों के ऊपर कांग्रेस आज अपनी विनिंग पोजीशन में है। और उसका कारण क्या है कि जो पर्ची सरकार है, जो शासन व्यवस्था जिनको चलानी चाहिए वो शासन व्यवस्था नहीं चला रहे, वो तो धमकी दे रहे हैं। अभी अभी की खबर है चूरू के अंदर विधायक जी कहते हैं कि भैया काम करो नहीं बाड़मेर भेज देंगे। क्यों भाई, किस बात की धमकी दे रहे हो कर्मचारियों को? अरे कर्मचारियों से काम कराओ जो आमजन के प्रति सद्भाव का माहौल तैयार हो ताकि वो उनके लिए सेवा के लिए वो आए। अभी कुछ दिन पूर्व संतोष अलावत जी जो है उसकी धमकी दे रही थी कर्मचारियों के ऊपर। और यही नहीं है, कांग्रेस में दिल्ली से बैठे हुए क्या नेतृत्व नहीं होता? क्या दिल्ली में बैठे हुए नेतृत्व नहीं होता? ठीक है, इसका रिएक्शन लेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता देते झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी की सुरक्षा कर्मी से बहस हो गई है। पहचान पत्र मांगने को लेकर यह बहस हुई है, सुरक्षा कर्मी ने पहचान पत्र मांगा और उसके बाद बहस। तो ग्रामीणों ने मतदान केंद्र के बाहर बताया जा रहा है कि नारेबाजी भी की है। बीजेपी प्रत्याशी शिवकरण चौधरी कुछ देर रुकने के बाद रवाना हो गए और एक तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर झड़प होती हुई नजर आई है सुरक्षा कर्मियों से। हालांकि उस दौरान किस तरीके की परिस्थितियां रही थी वो जैसे ही जानकारी मिलेगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी की बड़ी खबर ये कि विधानसभा के टोड़ी गांव के बूथ संख्या 89 का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर ये घटना सामने निकलकर आ पाई है। तो बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मी से पहचान पत्र मांगने पर बहस हुई है। सुरक्षा कर्मी ने बताया जा रहा है कि पहचान पत्र मांगा जिसके बाद ग्रामीणों ने मतदान के बाद जमकर नारेबाजी की। बीजेपी प्रत्याशी शिवकरण चौधरी कुछ देर रुकने के बाद रवाना हो। तो आपको बता दें कि यहां पर सुरक्षा कर्मी ने पहचान पत्र मांगी कि दिखाइए कौन है आप, मतदान कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है, सही है या नहीं सही है, इसको लेकर गुस्सा हो गए और इसको लेकर वहां पर झड़प हुई भी। फिलहाल वहां पर शुक्रण चौधरी मौजूद थे, थोड़ी देर में वो रवाना भी हो गए। बूथ विधानसभा के टोडी गांव की बूथ संख्या 89 की ये तस्वीरें हैं। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है और संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस अब कुछ नहीं कर सकती है, देश का विकास बीजेपी ही कर सकती है। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश में विकास की रफ्तार और ज्यादा तेज होगी। संजय निरुपम ने लोगों से अपील की है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय निरुपम बीजेपी को वोट दें ये बात कही है और कहा है कि अगर कोई विकास कर सकता है देश का, देश में विकास की रफ्तार अगर दौड़ेगी तो वो सिर्फ बीजेपी के द्वारा ही दौड़ेगी। अब सोचिए कांग्रेस से निकलकर संजय निरुपम ने बीजेपी को वोट देने की बात कही है। देश के रफ्तार और विकसित भारत तो वैसे भी बीजेपी का नारा है और देश में विकास की रफ्तार अगर उसकी कोई गाड़ी खींच सकता है, तेजी से दौड़ा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। अब ये हो रहा है कांग्रेस में और कांग्रेस बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि नहीं इस बार तो हम हैट्रिक मारेंगे, चाहे राजस्थान हो या फिर देश की बात हो, क्योंकि आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हो रहा है, 1625 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है। लेकिन संजय निरुपम का यह बयान बहुत कुछ बताता है, बहुत ज्यादा। पहले फेज का मतदान आज हो रहा है और इस मौके पर मैं थैंक यू सर कि आप अपना वोट भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को अवश्य दें। क्यों? उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो कांग्रेस पार्टी को वोट देकर अपना वोट बर्बाद न करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब एक मुंबई की हेरिटेज बिल्डिंग की तरह रह गई है, ये रहने लायक नहीं है। कुछ पुराने तके हारे जो नेता है वो टेका देके बिल्डिंग संभाले हुए हैं, तो ये बिल्डिंग संभाल कर रख सकते हैं लेकिन ये देश के हालात नहीं बदल सकते, क्योंकि ये अपने ही हालात नहीं बदल पाए।
कुछ कांग्रेस के हमारे साथी मुझसे नाराज हैं कि मैं कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोल रहा हूं। मैं उनको कहना चाहूंगा कि एक लंबे समय तक काम करने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि अब इस कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। हमारे जितने साथी वहां हैं वो भी अपना भविष्य बनाने के लिए जितना जल्दी हो कांग्रेस छोड़ करने के लिए, और मतदाताओं से अपील करूंगा कि अपना वोट व्यर्थ न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार आ रही है और ये सरकार आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को एक नया रूप नए रंग के साथ। तो संजय निरुपम को आप सुन रहे थे और खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि पहले चरण में प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। जयपुर में पीसीसी वॉर रूम से प्रदेश भर में मतदान पर निगरानी भी की जा रही है। तो लोकल जानकारी से लेकर आला कमान तक हालातों की जानकारी दी जा रही है। पहले चरण का मतदान जारी है, जिस तरह से लगातार जो घड़ी का कांटा है वो आगे बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से सियासी जमातों के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। राजस्थान में वोटिंग हो चुकी है, कांग्रेस के वॉर रूम में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस की टीम है वो लगातार एक विशेष कंट्रोल रूम बना करके संवाद कायम किए हुए है। हर लोकसभा पर विधानसभा वार बाकायदा बातचीत की जा रही है। क्या क्या स्थिति है आपके पास में, कौन कौन सी लोकसभा है? वैसे तो आप पूरी 12 देख रहे हैं, लेकिन जो जयपुर ग्रामीण और आसपास के इलाकों की बात करें तो क्या स्थिति है, किस तरह का टर्नआउट है, क्या लगता है कितना हक में आपके मत पड़ रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो टोटल परसेंटेज अभी तक 33% के आसपास एक बजे तक का जो टर्नआउट हुआ है, और उसमें जयपुर की अगर बात करें, जयपुर की जो लोकल सीट है यहाँ की, तो 40% के आसपास का टर्नआउट रहा है। रूरल में भी 32% के आसपास का टर्नआउट रहा है। यहाँ से हमारे दोनों कैंडिडेट बहुत अच्छी स्थिति में है, और अब चूंकि इस टाइम तक वोटर टर्नआउट कम है तो मुझे लगता है कि एग्जिस्टिंग सरकार की नीतियों से लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो वोट करने घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो मैं तो यही मानूंगी कि जो वोट परसेंटेज है वो हमारे हक में जा रहा है। जहाँ सीकर की बात करते हैं तो सीकर के अंदर भी कमोबेश जो है हमारा परसेंटेज इतना ही चल रहा है, और इसके अंदर देखते हैं कि जहां कांग्रेस का विधायक है वहां परसेंटेज ज्यादा है, बीजेपी का विधायक है वहां कम हो रहा है। तो इसका मतलब सरकार की योजनाओं से लोग संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस की गारंटियों पर विश्वास कर रहे हैं। कांग्रेस के जो विपक्ष में आने के बाद भी जो एक कांग्रेस का वर्करों से जुड़ाव है ना, उस जुड़ाव को लोग महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार जो राहत भरी सरकार थी, आज और पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे, लेकिन यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।